गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आर्यन मॉडल स्कूल रिंगस की ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस में। आज का आपका टॉपिक है व्हीट स्टोन सेतु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन व्हीट स्टोन ब्रिज। ये व्हीट स्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम पर इस ब्रिज का नामकरण हुआ है। ठीक है, तो व्हीट स्टोन सेतु एक ऐसा सेतु था, या व्हीट स्टोन ब्रिज अपने पास एक ऐसा ब्रिज था कि व्हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक ने चार प्रतिरोध, देखो एक दो तीन और चार, चार प्रतिरोध, एक धारामापी और एक सैल। मैंने क्या बोला, व्हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक ने चार प्रतिरोध, एक दो तीन चार, चार प्रतिरोध, एक सैल और एक धारामापी को जोड़कर एक विशेष परिपथ किया, एक विशेष परिपथ तैयार किया जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान याद कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, व्हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक ने चार प्रतिरोधों को, एक धारामापी को और एक सेल को जोड़कर एक विशेष परिपथ तैयार किया और जिस परिपथ की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान याद कर सकते हैं। ठीक है, यह अपने पास क्या हुआ व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। अब इसकी बात करेंगे हम इसकी रचना या फिर कंस्ट्रक्शन पार्ट, क्या पढ़ेंगे, रचना या कंस्ट्रक्शन पार्ट। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस, व्हीट स्टोन ब्रिज में चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस, चतुर्भुज ए बी सी और डी, चतुर्भुज ए बी सी डी की चार भुजाओं के रूप में जुड़े होते हैं। मैंने क्या बोला कि व्हीट स्टोन ब्रिज में चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस चतुर्भुज की, चतुर्भुज एबीसीडी की चार भुजाओं के रूप में जुड़े होते हैं। देखो ये चारों भुजाओं में, एक भुजा में पी, दूसरी भुजा में क्यू, तीसरी भुजा में आर, चौथी भुजा में एस, आपके पास क्या जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। बिंदु ए व सी के मध्य एक सेल और एक कुंजी K1 जुड़ी होती है। बिंदु बी और डी के मध्य एक धारामापी जी और एक कुंजी K2 जुड़ी होती है। बात समझ में आ गई, क्या बताया मैंने, व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस चतुर्भुज एबीसीडी की चार भुजाओं के रूप में जुड़े होते हैं। चित्र को देख के समझ में आ रहा है, बिंदु ए व सी के मध्य एक सेल व कुंजी K1 जुड़ी होती है। बिंदु बी व डी के मध्य एक धारामापी जी और एक कुंजी K2 जुड़ी होती है। ये बता दिया मैंने क्या इसकी रचना वाला पार्ट। ठीक है, इसमें जो मेन चीज होती है वो होती है इसकी संतुलन की अवस्था। अब जैसे ही हम कुंजी K1 को और कुंजी K2 को क्या करते हैं, परिपथ में जोड़ते हैं या बंद करते हैं। ठीक है, जैसे ही K1 और K2 कुंजी को अपन क्या करेंगे, बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, तो आपके पास जो ये धारामापी है, धारामापी में विच्छेद कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उस धारामापी में शून्य विच्छेद की स्थिति को ही हम क्या बोलते हैं, संतुलन की स्थिति बोलते हैं। किसकी, सेतु की, क्या बोलते हैं, संतुलन की स्थिति बोलते हैं। और उस स्थिति में P बटा क्यू बराबर आर बटा एस होता है। मैंने क्या बोला, पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस होता है। किस अवस्था में होता है, ओनली संतुलन की अवस्था में होता है। और ये संतुलन की अवस्था कैसे आएगी मैं आपको आगे बताऊंगा। रचना पाठ में आपको इतना लिखना है कि इस परिपथ में पी क्यू आर एस चार प्रतिरोध चतुर्भुज ए बी सी डी के चार भुजाओं के रूप में जुड़े होते हैं। बिंदु ए और सी के मध्य एक सेल और एक कुंजी K1 जुड़ी होती है। बिंदु बी और डी के मध्य एक धारामापी और कुंजी K2 जुड़ी होती है। जैसे ही हम कुंजी K1 और K2 को लगाते हैं तो अपने पास गैलोनोमीटर में विच्छेद शून्य हो जाता है। इस स्थिति को धारामापी, इस स्थिति को ब्रिज की संतुलन की अवस्था कहते हैं। और उसके लिए पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस आता है। ठीक है बेटा, अब पढ़ेंगे अपन सेतु का सिद्धांत व संतुलन की अवस्था। सेतु का सिद्धांत व संतुलन की अवस्था, ये चीज समझने की आपके पास। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जैसे ही हमने K1 कुंजी को ऑन किया, ठीक है, K1 कुंजी लगाई, तो K1 कुंजी लगाते ही इस बैटरी से धारा निकलेगी। ठीक है, प्लस से, तो ये सपोज करो कि धारा कितनी निकली आपके पास, आई निकली। अब ये आई धारा आपके पास ए बिंदु पर पहुंच गई,
ए बिंदु पर पहुंचते ही इसको दो रास्ते मिले, एक तो ए बी की तरफ और ए से डी की तरफ। तो जो ए धारा का मान I1 तो इस ए बी भुजा में चला गया और धारा का मान I2 कहां चला गया, आपके पास ए डी भुजा में चला गया, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास ये दोनों फिर से बी और डी पर पहुंचे, ठीक है, तो अब धारा को वापस से दो रास्ते मिले, एक तो आपके पास कहां इधर जा सकती है और एक डी से इधर जा सकती है, ठीक है। देखो दोबारा समझे इस बात को, मैंने क्या बोला, जैसे ही हम कुंजी K1 को परिपथ में जोड़ेंगे तो धारा यहां से निकलेगी, आई धारा यानी कि A बिंदु पर इसको जाने के दो रास्ते मिले, ठीक है। तो ये दो भागों में डिवाइड हो गए, एक भाग तो A से B की तरफ तो I1 गया और A से D की तरफ आपके पास कौन सा गया, I2 गया, ठीक है। अब फिर ये I1 धारा कहां पहुंच गई, B पे पहुंच गई और I2 धारा कहां पहुंच गई, D पे पहुंच गई। अब यहां भी दो रास्ते मिले, या तो B से D की तरफ जा सकती है या B से C की तरफ जा सकती है, या यहां देखो D पे D से B की तरफ जा सकती है, D से C की तरफ जाती है, यहां भी दो रास्ते मिले आपको। अब हम यहां क्या मानते हैं, अगर B का विभव D की तुलना में ज्यादा हो, क्या मानते हैं कि B का विभव VB ग्रेटर देन VD, अगर B का विभव D की तुलना में ज्यादा होगा तो धारा कहां से कहां बहेगी, B से D की तरफ। क्या बोला मैंने, यदि B का विभव D की तुलना में ज्यादा होगा तो जिसका विभव ज्यादा होता है धारा उससे दूसरी तरफ बहती है, तो यदि B का विभव ज्यादा होगा तो धारा B से D की तरफ बहेगी और B पे धारा के दो भाग हो जाएंगे, एक भाग तो किसमें जाएगा IG में और बचा हुआ भाग कहां जाएगा इस इसमें BC भुजा में जाएगा, मतलब एक भाग तो जाएगा BD भुजा में B से D की तरफ और एक भाग जाएगा B से C की तरफ, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपके पास BD ग्रेटर देन BB, अगर D का विभव B की तुलना में ज्यादा हो तो धारा कहां बहेगी, D से B की तरफ, D से B की तरफ। अगर D से B की तरफ बहेगी तो धारा के दो टुकड़े होंगे, वो कहां होंगे, D पर होंगे, एक तो D से कहां जाएगा B की तरफ और एक D से C की तरफ जाएगा, ठीक। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ना, ठीक। दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो B का विभव ज्यादा हो या D का विभव ज्यादा हो, अगर B का विभव ज्यादा होगा तो धारा B से D की तरफ बहेगी और D का विभव ज्यादा होगा तो धारा D से B की तरफ बहेगी। अब हमने माना, क्या माना, कि जो VB है वो BD से क्या है, ज्यादा है, कुछ ही मान सकते हैं, तो हमने ये मान लिया कि B का विभव D से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब B का विभव D से ज्यादा है तो आप देखें हमने क्या मान लिया, B पे कितनी पहुंची आपके पास, I1 पहुंची, कितनी पहुंची, यहां से I1 गई तो यहां I1 पहुंची, तो I1 में से सपोज करो ये अपने पास BD भुजा में कितनी निकल गई, IG निकल गई, ठीक है, BD भुजा में I1 में से IG निकल गई। अब जो बची हुई धारा होगी वो किससे जाएगी, इस BC में से, तो I1 में से IG निकल गई तो बची कितनी, I1 माइनस IG, वो किस में जाएगी आपके पास, BC में। दोबारा बताऊं कि यहां B पे आपके पास I1 पहुंची, I1 में से I1 का एक पार्ट IG कहां चला गया, B से D की तरफ चला गया, ठीक है, और बचा हुआ कितना पार्ट, IG, I1 में से IG निकल गई तो I1 माइनस IG जो बचेगा वो कहां जाएगा, B से C की तरफ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, अब आप देखो यहां से आपके पास IG निकली तो यहां पे क्या पहुंची आपके पास, IG पहुंची, ठीक है, यहां से I2 निकली तो यहां पे क्या पहुंची, I2। अब यहां कौन सा लगेगा, किरचॉफ का संधि नियम, देखो इस बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होगा, जाने वाली धाराओं के योग के बराबर, तो आने वाली धारा कौन सी, डी पे एक तो IG है और एक कौन सी है, I2 है, तो D से बाहर कितनी निकलेगी, I2 प्लस IG, तो D में जो जाएगी वो कितनी जाएगी, D से C की तरफ कितनी धारा जाएगी, I2 प्लस IG, ठीक। तो यहां से I2 प्लस IG जा रही है, यहां से I1 माइनस IG जा रही है। अब अपन क्या लगा देंगे, C पर भी किरचॉफ का संधि नियम लगा देंगे, जितनी धारा इस पे आ रही है उतनी धारा इससे बाहर निकलेगी, तो धारा आ कौन सी निकली, I1 माइनस IG आ रही है, एक इस पे कौन सी आ रही है, I2 प्लस IG, आईडी से आईडी कट जाएगा, बचेगा क्या, I1 प्लस I2, और आपको पता है कि यहां I किसके रूप में बटे था, I1 प्लस I2, तो मतलब I1 प्लस I2 किसके बराबर हो गया, I के बराबर हो गया, तो जितनी धारा निकली थी उतनी धारा बैटरी में क्या कर गई, अंदर प्रवेश कर गई। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। मैंने क्या बोला,
अगर VB आपके पास VD से बड़ा है तो यहाँ I2 पहुंची, I2 का एक पार्ट सॉरी I1 पहुंची, I1 में से IG तो कहां चली गई आपके पास इस BD भुजा में चली गई, कहां से B से D की तरफ, और जो I1 माइनस IG कहां चली गई आपके पास BC भुजा में चली गई, ठीक है। अब D बिंदु पर I2 तो इधर से आ रही है, IG इधर से आ रही है, तो इससे निकलने वाली धारा कितनी होगी I2 प्लस IG। इसी तरह C बिंदु पर I1 माइनस IG आ रही है और I2 प्लस IG आ रही है, तो टोटल धारा कितनी होगी आपके पास इससे निकलने वाली I हो गई और ये चली गई, ठीक है, ये माना। लेकिन जब अपने पास संतुलन की अवस्था होगी, संतुलन की अवस्था में क्या होगा, संतुलन की अवस्था में आपके पास क्या होगा VB बराबर VD। संतुलन की अवस्था में क्या होगा, जब ब्रिज आपके पास संतुलन की अवस्था में होगा तो B का विभव और D का विभव क्या होगा बराबर होगा। अगर B का विभव और D का विभव बराबर होगा तो B से D की तरफ कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, B से D की तरफ कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसका मतलब IG का मान कितना होगा जीरो होगा और उससे आपके पास गैलोनोमीटर में जो विक्षेप आएगा वो कैसा आएगा शून्य आएगा। और इसी कंडीशन को, इसी स्थिति को अपन क्या बोलते हैं ब्रिज की संतुलित अवस्था बोलते हैं। मैंने क्या बोला, ब्रिज की संतुलित अवस्था के अंदर B का विभव D के विभव के बराबर होगा, जब दोनों B और D के विभव बराबर हो गए तो B से D की तरफ या D से B की तरफ कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी और धारा प्रवाहित नहीं होगी इसका मतलब IG का मान कितना हो गया जीरो हो गया और जीरो हो गया तो गैलोनोमीटर में विक्षेप कितना हो गया शून्य हो गया, ठीक है। तो VB बराबर VD, ठीक है, इसमें संतुलन की अवस्था है। अब आप देखें इसको चाहूं तो मैं इसको VA में से दोनों तरफ VA में से कटा दूं, VA माइनस VB कर दूं और VA माइनस VD मतलब कर दूं, किसी भी संख्या को कोई संख्या जोड़ दो इसमें से कोई संख्या घटा दो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। तो मैंने इसमें इस VB को भी VA में से कटा दिया और इस VD को भी मैंने क्या कटा दिया VA में से कटा दिया आपके पास। अब आप देखें मैंने क्या बोला संतुलन की अवस्था आ गई ना, तो संतुलन की अवस्था में आपके पास IG का मान कितना होता है जीरो होता है, तो IG का मान जीरो हो गया आपके पास तो I1 माइनस IG इसका मान कितना हो गया आपके पास IG का मान जीरो कितना हो गया I1, तो कहीं ना कहीं BC में जो करंट जा रहा है वो कितना जाएगा I1 जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास इधर से I2 प्लस IG है, IG का मान जीरो हो गया तो यहां क्या आएगा इस DC भुजा में करंट कितना जाएगा I2 जाएगा, बात समझ में आ गई ना। ये मैं संतुलन की अवस्था की बात कर रहा हूं, संतुलन की अवस्था में VB बराबर VD हो गया और IG की वैल्यू कितनी होगी संतुलन की अवस्था में जीरो, तो इधर IG की वैल्यू जीरो रखेंगे तो I1 आ जाएगा इस DC भुजा में करंट और इधर IG की वैल्यू जीरो रखेंगे तो DC भुजा में करंट कितना आ जाएगा जीरो, तो इसमें भी I2 करंट फ्लो होगा और इसमें कितना करंट फ्लो होगा I1, ठीक है। अब देखिए VA माइनस VB तो विभवांतर ए और बी पॉइंट के बीच में कितना होगा आपके पास ए उच्च विभव पे है बी क्या है निम्न विभव पे है क्योंकि धारा ए से बी की तरफ प्रवाहित हो रही है, तो बी ए माइनस बी बी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास आई वन इंटू पी क्योंकि बी बराबर क्या होता है आई आर तो कितनी हो जाएगी आई वन इंटू पी। इसी तरह वी ए माइनस वी डी तो वी ए माइनस वी डी ए और डी के बीच में विभवांतर कितना होगा धारा कितनी जा रही आई आर धारा कितनी जा रही आई टू और प्रतिरोध कितना है आर कितनी होगी I2 R, ठीक है, इसको डाला समीकरण नंबर एक। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं चाहे तो इस VB में से कोई संख्या घटा भी सकते हैं, VB में से मैंने क्या घटा दिया आपके पास VB में से मैंने आपके पास VD घटा दिया, एक बार क्या है अब आपके पास क्या है ये VB आ गया तो मैंने क्या किया VB में सॉरी VB से मैंने क्या कटा दिया VC कटा दिया तो VB माइनस VC और VD माइनस VC। देखो ये समझो ये पहले क्या आया था VB बराबर VD आया था VB में से कोई VB अब VB को हमने VA में से कटा दिया और इधर भी हमने VD को भी VA में कटा दिया तो दोनों तरफ VA में से कटा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगली बार मैंने क्या किया इस VB में से VC घटा दिया और इस VD से मैंने क्या घटा दिया मैंने VC घटा दिया मतलब सेम संख्या घटा दें या सेम संख्या में से घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास। इसको इस तरह समझे कि आपके पास अगर चार है ठीक है और इधर आपके पास तीन है तो इसको घटा देंगे पांच में से तो आपके पास क्या बचेगा पांच माइनस चार
तो इसको घटा देंगे पांच में से, तो दोनों तरफ पांच पांच कर देंगे, पांच से पांच कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। सेम संख्या में से घटाएं या सेम संख्या में से घटाएं या सेम संख्या उसमें से घटाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास। तो इधर क्या कर दिया VD माइनस VC और इधर क्या कर दिया VD माइनस VC। अब देखो VD माइनस VC, B और C के बीच में अंतर कितना होगा आपके पास में IR, तो धारा कितनी है I1 और प्रतिरोध कितना है Q, तो कितना आ जाएगा I1 Q, ठीक है। और VD माइनस VC B और C के बीच में अंतर कितना हो जाएगा I0 वैल्यू 0 हो गई थी तो कितना जाएगा I2S, कितना हो जाएगा I2S, ठीक। अब इसको इक्वेशन नंबर दो डाल दिया, अब समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो कर दिया मैंने, ठीक। तो क्या हो जाएगा आई वन पी अपॉन में आई वन क्यू, आई टू आर अपॉन में आई टू एस, एस आई टू से आई टू कट गया, आई वन से आई वन कट गया, तो क्या आ गया अपने पास पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस। यही अपने पास क्या है ब्रिज की संतुलित अवस्था, यही आई थी देखो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन X संतुलन की अवस्था। तो ये अपने पास क्या आ गई संतुलन की अवस्था आ गई, ठीक है। बात समझ में आई, मैंने क्या बोला संतुलन की अवस्था में आपके पास क्या होगा VB बराबर VD होगा और IG का मान कितना होगा जीरो होगा। अब इस VB को VA में से घटा दिया और इस VD को भी VA में से घटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो VA माइनस VB A और B के बीच में अंतर कितना हो गया I1P और A और D के बीच में विभवांतर कितना हो गया I2R, ठीक है। इसी तरह अब इस BD में से VC घटा दिया और इस BD से भी VC घटा दिया तो VB माइनस VC, VB माइनस VC कितना आ जाएगा I1Q, ठीक है। और VD माइनस VC, VD माइनस VC कितना आ जाएगा आपके पास I2S, I2S समीकरण नंबर एक बटा समीकरण नंबर दो किया तो P अपॉन Q बराबर कितना आ गया R अपॉन S। ये भी ब्रिज की क्या है संतुलन की अवस्था है आपके पास, ठीक है। इसको एक बार आप देखें ध्यान से, अब आपके पास ये तो संतुलन की अवस्था आपने ऐसे निकाल दी, अब हम क्या करेंगे संतुलन की अवस्था अपन क्या निकालेंगे केवीएल निकालेंगे, और जो तो द्वितीय नियम लगा के अपन क्या निकालेंगे संतुलन की अवस्था निकालेंगे, तो वो भी देखें आप। तो ये चीज किसमें थी आपके पास सेतु का सिद्धांत में संतुलन की अवस्था अपन ने निकाल दी, ठीक है। अब अगला पढ़ेंगे अपने पास संतुलन की अवस्था किससे केवीएल लगाते या फिर क्या बोल सकते हैं अपन किरचॉफ के नियमों से, किससे संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था किरचॉफ के नियम से। अब अपन संतुलन की अवस्था निकालेंगे किससे किरचॉफ के नियम में, अब अपन क्या लगाएंगे किरचॉफ का नियम लगाएंगे आपके पास, ठीक है। अब आप देखें तो किरचॉफ का नियम लगाने के लिए हमें क्या चाहिए आपको पता है किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने के लिए क्या चाहिए अपने को कहीं ना कहीं दो लूप चाहिए। तो पहले वाला लूप तो अपन ने ये मान लिया ए बी डी ए और दूसरे वाला लूप मान लिया अपन ने बी सी डी बी, ठीक। तो लूप ए बी डी ए में केवीएल से या बोल सकते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से, दिशा से कैसे मान लिया अपन ने क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा के अंदर। अब आप केवीएल लगाओ देखो ए बी डी ए में देखें आप, ठीक। अब ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं जिधर ही
धारा की दिशा है उधर ही हम जा रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, विभव पतन कैसा होगा, नेगेटिव होगा या ऋणात्मक होगा। ठीक है, देखो इधर I1 भी इधर जा रही है और हम भी इधर जा रहे हैं इसी बी की तरफ, तो जो विभव पतन होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो किसके बराबर आ जाएगा वो आई आर, तो आई आर आई वन तो क्या है, धारा तो क्या है आई वन, और प्रतिरोध क्या है पी, तो कितना आएगा माइनस आई वन पी। अब कहां जाएंगे, बी से डी की तरफ। अब देखो बी से डी की तरफ जा रहे हैं अपने पास, तो इधर ही जा रहे हैं बी से डी की तरफ, इधर ही धारा क्या हो रही है प्रभावित हो रही है, तो ये भी क्या आएगा माइनस आएगा, तो माइनस धारा का मान तो कितना है आई जी, और प्रतिरोध का मान कितना मान लिया अपने गैलोमीटर का जी मान लिया, धारा मापी का प्रतिरोध कितना मान लिया अपने जी मान लिया। ठीक, अब कहां जाएंगे डी से ए की तरफ। अब डी से ए की तरफ देखो हम तो जा रहे हैं डी से ए की तरफ, धारा बहेगी ए से डी की तरफ, तो धारा विपरीत दिशा प्रवाहित हो रही है हमारी गति की दिशा की, तो क्या लेंगे प्लस लेंगे, तो प्लस धारा का मान तो कितना है आई टू, और प्रतिरोध का मान कितना है आर, बराबर कितना आ जाएगा जीरो। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं आई टू आर बराबर आई वन पी प्लस आई जी जी। ठीक, और इसी तरह अपन लगाएं लूप कौन से में, बी सी डी बी में किससे केवीएल से। अब बी सी डी बी इसमें भी अपन निकल जाए तो चौथा द्वितीय नियम लगाया। अब देखो बी से सी की तरफ जा रहे हैं, धारा की दिशा वही अपने पास घड़ी की दिशा में ले रहे हैं, तो बी से डी की तरफ बी से सी की तरफ जा रहे हैं, पहले बी सी है ना, तो बी से सी की तरफ जा रहे हैं, बी से सी की तरफ भी धारा बह रही है और बी से सी की तरफ भी हम जा रहे हैं, तो क्या आएगा माइनस आएगा, तो क्या लिखेंगे माइनस, धारा का मान कितना है आई वन माइनस आई जी। ठीक है, और प्रतिरोध का मान कितना है क्यू। ठीक, अब सी से डी की तरफ, देखो सी से डी की तरफ हम जा रहे हैं गति की दिशा है, लेकिन धारा का मान क्या है, धारा की दिशा क्या है उल्टी है, देखो धारा की दिशा बी से सी की तरफ है, हम सी से डी की तरफ आ रहे हैं, तो क्या लेंगे हम प्लस लेंगे, तो प्लस प्रतिरोध का मान कितना है आई टू प्लस आई जी। ठीक, और सॉरी धारा का मान आई टू प्लस आई जी और प्रतिरोध का मान कितना है एस। ठीक, अब कहां जाएंगे डी से बी की तरफ, डी से बी की तरफ जा रहे हैं, देखो धारा तो अपने पास बी से डी की तरफ आ रही है, हम जा रहे हैं डी से बी की तरफ, तो ये भी कैसे लेंगे प्लस लेंगे, तो प्लस क्या आ जाएगा धारा का मान कितना है आई जी और प्रतिरोध का मान कितना है जी। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा जीरो। ठीक, ये बात हो गई, अब इसको सोल्व कर ले जाए तो इसको उधर ले जाए तो प्लस हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा, ये इसको इससे गुणा कर ले आई टू एस प्लस आई टू एस प्लस आई जी एस, इसको खोल दिया ब्रैकेट को, प्लस आई जी जी, और ये हो जाएगा आपके पास उधर ले जाएंगे तो ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई वन क्यू माइनस आई जी क्यू। ठीक है बेटा, अब हमने क्या पढ़ा था, ब्रिज की संतुलित अवस्था के लिए, संतुलित अवस्था के लिए आपके पास आई जी का मान क्या होता है, संतुलन के लिए ब्रिज की संतुलन अवस्था के लिए आपके पास आई जी का मान क्या होता है जीरो होता है। तो हम क्या करेंगे इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में आई जी का मान क्या कर देंगे जीरो कर देंगे, क्यों, संतुलन की अवस्था निकालने के लिए। तो इसमें आई जी का मान जीरो करो, तो आई जी का मान ये इसमें तो आई जी है, तो ये तो ऐसे कैसे जाएगा आई टू आर बराबर आई वन पी, देखो यहां आई जी है इसका मान कितना हो जाएगा जीरो, ये अपने पास इक्वेशन एक आ गई। यहां लिख भी सकते हैं संतुलन के लिए आई जी कितना हो गया आपके पास जीरो हो गया। ठीक है, इसीलिए इसमें बात करें आई जी का मान जीरो रखें, तो देखो आई टू एस, ठीक, और ये देखो आई जी है ये जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो, ठीक है, और आई जी यहां भी है तो ये पूरी टर्म जीरो, इस तरह यहां बराबर आई वन क्यू है, ये ऐसे कैसे आ जाएगा आपके पास
और ये क्या है आपके पास आई जी है यहां की, तो ये भी क्या हो जाएगी जीरो। तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर दो आ गई, ठीक है आ गई। अब अपन क्या कहेंगे, समीकरण नंबर एक बटा समीकरण नंबर दो, ठीक है। अब कर लो तो कहीं ना कहीं समीकरण एक क्या थी आई टू आर बटा आई टू एस, और ये क्या थी आई वन पी बटा आई वन क्यू, आई वन से आई वन आई टू से आई टू, तो वही आ गई आर अपॉन एस बराबर ए अपॉन क्यू, ठीक है। ए अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन है, ये आपके पास क्या आ गई संतुलन की अवस्था आ गई आपके पास। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, क्या पी के नीचे क्या चला जाएगा आर, ये आर तो यहां चला जाएगा पी के नीचे, है ना। आर तो कहां चला गया, पी के नीचे चला गया, आर को पी के नीचे आ जाएगा आर अपॉन पी बराबर एस अपॉन क्यू, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन चाहे तो, ठीक बात समझ रहे हो ना। ये अपने पास क्या हो गया ब्रिज की संतुलन की अवस्था आ गई, कैसे आई वो मैंने आपको समझा दिया। पहले दो लूप बनाए, दो लूप पे अपन ने क्या लगाया किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाया, फिर इक्वेशन डिवाइड कर दिया एक बटा दो, तो अपने पास क्या आ गया पी बटा क्यू इक्वल्स टू आर बटा एस। यहां देखो जो ये पी और क्यू होते हैं ना, ये कैसे होते हैं फिक्स्ड मान के प्रतिरोध होते हैं, इनका मान कैसा होता है फिक्स होता है, ठीक है। और जो आर होता है वो कैसा होता है परिवर्ती प्रतिरोध, इसका मान अपन क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। और एस होता है वो आपके पास कैसा होता है अज्ञात प्रतिरोध। मैंने क्या बोला पी और क्यू तो आपके पास फिक्स मान के प्रतिरोध होते हैं, इनका प्रतिरोध का मान फिक्स रहता है, शुरू में रखते हैं एक ओम रखे या दो ओम रखे कुछ भी रखें इनका मान कैसे रखते हैं फिक्स। आर का मान क्या करते हैं परिवर्ती, इसका मान चाहे अपन क्या करते रहते हैं लगातार चेंज करते रहते हैं। और एस क्या होता है अज्ञात प्रतिरोध। अब इधर से अगर अपन एस की वैल्यू निकालना चाहें, देखो अपने पास क्या आया था पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस आया था, ठीक है। अब एस का मान निकालना चाहें तो इसको क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे क्यू अपॉन पी इक्वल्स टू एस अपॉन आर, तो एस का मान हो जाएगा अपने पास कितना हो जाएगा क्यू अपॉन पी इंटू आर, एस का मान कितना हो जाएगा Q अपॉन P इंटू आर। एस अपने पास क्या है अज्ञात प्रतिरोध, इसका मान याद करना चाहिए। Q का मान फिक्स है, P का मान फिक्स है, R का मान वो लेंगे कि जैसे R के मान को हम चेंज करते रहेंगे और जिस R के मान पे इस धारावाहिक में विक्षेप शून्य हो जाएगा वही अपन R का मान ले लेंगे, तो इस तरह से अपने पास अज्ञात प्रतिरोध का मान याद हो जाएगा। बात समझ में आई, क्या होगा एस बराबर क्या होगा क्यू बटा पी इंटू आर, तो Q और P का मान तो शुरू में फिक्स लेते हैं, R का मान कौन सा लेंगे लगातार परिवर्तित करते रहेंगे, ऐसा मान जिसमें धारावाहिक में विच्छेद क्या हो जाए शून्य हो जाए वो R का मान ले लेंगे, तो अपने पास अज्ञात प्रतिरोध का मान आ जाएगा। संतुलन की अवस्था किरचॉफ के नियम से आपके पास 2017 क्वेश्चन आ हुआ है दो नंबर का, ठीक है। ज्यादातर संतुलन की अवस्था आपके पास किरचॉफ के नियम से निकालने के लिए आती है, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया था इसकी रचना में मैंने आपको क्या बताया था चार प्रतिरोध होंगे, एक धारावाही होगा और एक सेल को जोड़कर एक परिपथ तैयार किया था जो अपने पास क्या किस काम आ रहा था, अपने पास अज्ञात प्रतिरोध को याद करने का काम आ रहा था, ठीक है। रचना कि पी क्यू आर एस चार प्रतिरोध एबीसीडी में की चार उदाहरण के रूप में जुड़े होते हैं, ए और सी के बीच में एक सेल और एक कुंजी K1, ए बी और डी के मध्य अपने पास एक धारावाही जी और कुंजी K2 जुड़ी होती है, ठीक है। जब परिपथ को पूरा करते हैं तो संतुलन व्यवस्था में P बटा Q बराबर R बटा S होता है। फिर अपन ने रचना व कार्यविधि पढ़ी थी संतुलन की अवस्था में, इसकी कार्यविधि पढ़ी थी, उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि जैसे ही अपन ने यहां से I करंट जाएगा इसमें दो वाहन बढ़ गया, इधर I1 चला गया इधर I2 चला गया, फिर इसको बी और बी पे भी दो रास्ते मिले और डी पे भी दो रास्ते मिले, हमने क्या माना बी का विभव डी की तुलना में क्या है ज्यादा है, तो धारा बी से डी की तरफ बहेगी, तो इसमें से आई जी चली गई तो बचा हुआ पार्ट आई वन माइनस आई जी इसमें चला जाएगा, और डी पे देखो आई जी आ रही है और आई टू आ रही है इसमें से कितना हो जाएगा आई टू प्लस आई जी, तो वापस से यहां पे चली गई आई चली गई आपके पास। लेकिन संतुलन की अवस्था के लिए अपन ने क्या पढ़ा था कि जो वी पी बराबर क्या होगा वी टी होगा, उससे अपन ने निकाल लिया पी अपॉन क्यू बटा बराबर आर अपॉन एस,
ये अपन ने किससे निकाली, किरचॉफ के नियम से निकाली। मैंने क्या बताया, पी और क्यू फिक्स वैल्यू के प्रतिरोध होते हैं, आर आपके पास परिवर्ती प्रतिरोध होता है, और एस आपके पास क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध होता है। ठीक है, आर का वो मान लेंगे जिसको चेंज करने से धारा में विच्छेद कैसा हो जाए, शून्य हो जाए, उसी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध निकाल लेंगे। धन्यवाद।